Hello dear students, how are you? I hope that you all have been working hard with your books, your copies, your studies and taking care about yourself. Today, in this video, we have a very, very interesting and my favorite one, the short story, An Astrologer's Day. Ek din ek jyotishi ke saath, ek najumi ke saath. And the writer of the story, one of the finest writer India has ever produced, Mr. R.K. Narayan, one of the finest novelist and story writer, short story writers. Okay? So, R.K. Narayan is a very famous, very big writer in Hindustan. इनकी लिखी किताबें, इनके लिखे उपन्यास, एक बहुत मशहूर नॉवल इनका है गाइड, आपने शायद नाम सुना, उस पर एक फिल्म भी बनी देवानंद साहब की, और ऐसे बहुत से बेहतरीन उन्होंने अपना काम किया है, फिक्शन किया है। इस स्टोरी की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी का जो मुख्य किरदार है, जो मेन जो कैरेक्टर है, वो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक ज्योतिषी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, नो आइडिया अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कि वो ज्योतिषी तो है लेकिन सही मायनों में ज्योतिष किस चिड़िया का नाम है उसे खुद पता नहीं, क्योंकि ना तो उन्हें स्टार्स के बारे में पता है, ना उन्हें ये पता है कि सूर्य चंद्र ग्रह ये सब नक्षत्र क्या होते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि वो फिर ज्योतिषी बन कैसे गया, और अगर बना है तो वो सक्सेसफुल कैसा हुआ इस फील्ड में, क्योंकि उसके बारे में उसे आइडिया नहीं। सबसे पहली चीज़ कहानी में कहीं उसके बैकग्राउंड में चलती है कि वो एक गांव से छोड़कर भाग कर आया किसी वजह से, और अचानक एक नए शहर में जाकर उसने एक पेड़ के नीचे दुकान खोल ली, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठता कहीं एक टाउन हॉल पार्क एक जगह है। बड़ी मशहूर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द प्लेस वेयर आवर एस्ट्रोलॉजर सिट। और दूसरी चीज़ एक दिया है कि उसने है ना, ये मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड गेस वर्क, बहुत लंबे टाइम से चूंकि वो इसी प्रोफेशन में है, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाई दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस हैज शार्पन्ड हिज वर्क, ही शार्पन्ड हिज ब्रेन अबाउट हिज वर्क। उसके काम को इतना तराश दिया है इस समय ने कि अब वो बहुत अच्छी तरह से अपने काम को कर पा रहा है और अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को खुश कर पा रहा है। एक और चीज़ देखते हैं, मैरिज ह्यूमन टाइज एंड मनी। उसे पता है कि जो भी क्लाइंट उसके पास आता है या जिस क्लाइंट को वो पकड़ के बैठा लेता है, तो ज़्यादातर लोगों को एक आइडिया, एक एज का आइडिया है कि 25, 26, 27, 30, under 30 वो शादी के बारे में बात करता है। हो सकता है कि मैं आज के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, 25-30 साल पहले वो 18 से 20, 22, 25 से नीचे के लोगों की शादी बात कर रहा हो, अब एज थोड़ी बढ़ गई। दूसरा फिर वो बात करता है मनी के बारे में, एक एज में देखता है कि शादीशुदा आदमी लग रहा है तो उसे पैसा चाहिए, परिवार है, या ह्यूमन टाइज एक और एज के बाद देखा उसने, तो आपसी जो मतभेद हैं, मनमुटाव हैं, या औरतों से बात करता होगा। आई पर्सनली फील इसमें कोई नेगेटिव नहीं, ऐसा लग रहा है, तो वो उनसे घरेलू समस्याओं के बारे में बात करता होगा। तो ही कैटेगराइजेज हिज क्लाइंट्स इन दीज थ्री टाइप्स एंड ही टॉक्स विद देम इन थ्री डिफरेंट टाइप्स एंड ट्राई टू कंसोल देम, ट्राई टू सेटिस्फाई देम, एंड ही इज सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर ऑफ दैट प्लेस। उस जगह का एक बहुत ही मशहूर वो एक ज्योतिषी बन गया है इस तरीके से। फिर हम एक चीज देखते हैं कि उस जगह के पड़ोस में एक बहुत मशहूर, एक मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक ग्राउंड नट सेलर है जो उसके पड़ोस में बैठता है, और उसकी इम्पोर्टेंस इस कहानी में ये है कि जब रात में अंधेरा होने लगता है शाम के बाद, तो ग्राउंड नट सेलर के पास जो एक लैम्प है जो गैस से जलता है, उस जमाने में दस्ती लैंप होते थे, उसकी रोशनी पर ही हमारा ज्योतिषी का कारोबार टिका हुआ है साहब, क्योंकि जैसे ही वो दुकान बढ़ा लेगा, हमारे ज्योतिषी महाराज हमारे जो एस्ट्रोलॉजर साहब हैं उन्हें अपनी दुकान भी बढ़ानी होगी, बिकॉज उनके पास अपनी लाइट का कोई सोर्स नहीं। सो दैट्स वाई दैट ग्राउंड नट सेलर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक रोल इन दिस स्टोरी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो एक मैं जरूर एग्जांपल देता हूँ और एक तरह से डिफाइन करता हूँ कि वो अपने माल को कैसे बेचता है, हाउ टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। तो वो बेच तो रहा है, वो
फ्राइड ग्राउंड नट, वो मूंगफलियों को भून के तल के बेच रहा है, है ना, इस टाइप का। लेकिन वो किस तरह से अट्रैक्ट करता है लोगों को। एक दिन चिल्लाता है, आइए दिल्ली की आइसक्रीम ले लीजिए, दिल्ली के बादाम ले लीजिए, सॉरी डेलीज आमंड्स, दिल्ली के बादाम। तो लोग आते हैं पास में, अरे वहाँ देखते साबित तो ग्राउंड नट बेच रहा है। एक दिन चिल्लाता है वो, आइसक्रीम ले लीजिए साहब, बहुत बढ़िया वाली आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के चक्कर में लोग भाग के आते हैं। मैं इस एग्जांपल को ऐसे जोड़ता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में कि अक्सर आपको मिलेगा, चलते हुए आप जा रहे हैं तो लोग चीखते हैं, साहब 20 रुपये दर्जन केले, 20 रुपये दर्जन केले। जब वहाँ पहुँचते हैं तो केले 40 रुपये दर्जन, छोटी छोटी किलियाँ पड़ी होती, नन्हे नन्हे केले, सड़े सड़े से, ख़राब से, कहते साहब ये 20 रुपये दर्जन केले। सो दिस इज द आर्ट, हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, हाउ टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स टू योर शॉप। कि सबसे पहला जो फंक्शन है बिजनेस का, कि आपने अपने ग्राहक को दुकान पर बुला लिया। जैसे ये बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हर चीज़ों के, वो कहते हैं साहब मुझे कोका कोला पसंद है, मुझे पेप्सी पसंद है। तो ये एक तरह से पहला काम है कि दर्शकों को उस नाम से वाकिफ करा देना कि साहब इस चीज़ की पसंद, ये बड़े बड़े स्टार लोग कर रहे हैं, ये लोग भी कुछ ऐसे ही कर। आइए कहानी पर आते हैं। तो इस तरीके से दिन बीतते जा रहे हैं और उसका कारोबार चलता जा रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, बच्चों को खिला रहा है, उससे अपना पास्ट भूल चुका है। अचानक एक दिन उसके पास एक कस्टमर आता है जो वहीं पास से गुजर रहा है, तो वो उसे रोकता है कि आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपका भविष्य बताता हूँ। वो उसके डेली का रूटीन है अपने कस्टमर क्लाइंट को अपनी तरफ खींचने का। वो पहले आना नहीं चाहता, फिर कहता है, फिर बड़ी फोर्सफुली उसे कहता है कि साहब बैठिए। तो वो हाथ रख के बताता है कि देख काम की बात बताना, फालतू की बात मत बताना, जैसा कि वो अपने बाकी क्लाइंट्स के साथ करता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो हाँ साहब बहुत बढ़िया बात है, या साहब तुम्हारी शादी में कोई अड़चन है, हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, या तुम्हारा बचपन में तुम्हें चोट लगी थी, हर एक के साथ लगी है। तो इस तरह के वो क्वेश्चंस के साथ खिलवाड़ करता है और अपने कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई करता है। बट उस दिन वो आदमी कहता है मुझे बहुत ही ऐसे ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए जो मुझे कंसोल कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो मैंने कहा जैसे मेरा नाम बता दो। तो वो फिर समझ जाता है कि ये थोड़ा टेढ़ा आदमी है, 5 रुपये लूँगा, उसने 50 पैसे दूंगा। फाइनली ये सौदा 1 रुपये पर शायद फाइनल हो जाता है। तब वो कहता है ठीक है मैं काम की बातें बताऊँगा। तो कहते तुम्हारा नाम है गुरु नायक, एंड दिस वेरी फर्स्ट आंसर सरप्राइजेज दैट अननोन क्लाइंट। फिर वो पूछता अब, तब वो कहता कि साहब आज से बहुत साल पहले तुम्हें एक चोट लगी थी सीने में, चाकू दिखाता है, अरे ये जगह है, दिस इज द प्लेस वेयर समबडी यू नो ट्राई टू किल हिम। फिर वो कहता तुम्हें मरा हुआ समझ के कुएं में डाल दिया गया था। तो ये भी बहुत सरप्राइजिंग है, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर जसप्रीत बुमराह वाली। फिर वो कहता कि सर आपको तो मरा समझ के छोड़ दिया था, पता नहीं कैसे बच गए। तो कहते हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार वो मोहम्मद शमी की आउट सिंगर डाल देता है सीम पर पटक। देन वो पूछता अब मुझे काम की, अब बताओ मेरा वो दुश्मन है कहाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब वो कहता है अफसोस कि अभी कुछ दिनों पहले एक लॉरी के नीचे दबकर उसकी डेथ हो गई, अब वो तुम्हें मिलेगा नहीं। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है, काश मैं उसे अपने हाथों से सजा दे पाता। देन ही गिव्स सम मनी टू हिम वॉट एवर ही हैज कमिटेड फॉर और सो। रात के 11 बज चुके हैं, अपने घर पर पहुंचता है, बीवी दरवाजे पर परेशान इंतजार कर रही है। फिर वो खाना खाते हैं, रात में बताता है उसे कि पहले तो पैसे रखो, तो लगभग 75 पैसे हैं, शायद बहुत बड़ी रकम है क्योंकि वो 5 पैसे पर कस्टमर या 3 पैसे पर क्वेश्चन पूछकर दिन भर में गुजारा करता है। तो इकट्ठे पैसे मिल गए तो बीवी बहुत खुश होती है कि इसकी कल मिठाई बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी। तब वो कहती है तुम बड़े परेशान लग रहे हो, बात क्या? तब यहाँ पर मिस्ट्री रिवील होती, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जैसा कि लिखते रहे हैं आर के नारायण साहब। उन्होंने कहा कि आज से बहुत साल पहले मेरी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई थी और हम लोगों ने शराब वगैरह पी रखी थी, कुछ ऐसा है। फिर मैंने धोखे में उस पर चाकू मार दिया था और मैं ये सोचकर गांव छोड़कर भाग आया कि वो मर गया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो जिंदा है।
तो आपको पता लग ही गया होगा गुरु नायक के बारे में, भाई हमारे ज्योतिषी साहब इसलिए जानते हैं क्योंकि ज्योतिषी साहब के हाथों का शिकार था जो बच चुका है। ये सुनकर बीवी बड़े आश्चर्य करती है, कहती कोई बात नहीं, जो हुआ सो भूल जाओ, सरप्राइजिंग है लेकिन अब रिलैक्स रहो। हाँ एक बात मैं और कहना भूल गया, वो गुरु नायक से ये भी कह देता है कि अब तुम कभी भी इस ओर मत वापस आना साउथ की ओर, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी मौत छिपी हुई है। अपने गांव की तरफ ही रहना, साउथ पर कभी यात्रा मत करना, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू वेरी मच। कहानी कैसी लगी, समरी अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा एंड हैव ए फन विद योर स्टडीज। बाय, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ।